नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रेस वार्ता की, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में भाग लेने के लिए अपील की। वह भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता ऐप SSG18 के बारे में दी जानकारी। ग्रामीण अंचल में स्वच्छता की पेश होगी तस्वीरें। आमजन से स्वच्छता ऐप के माध्यम से फीडबैक देने की अपील की। 31 अगस्त तक दी जा सकती है फीडबैक, अतिरिक्त उपायुक्त बोले। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त अमृत अस्मीन ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा सभी प्रदेशों में व जिलों में स्वच्छता ऐप SSG18 के नाम से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके प्रदेशों में गांव स्वच्छता की ओर अग्रसर है या नहीं। यह आमजन से अपने जिले में या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ऐप के माध्यम से फीडबैक लेना है। उन्होंने जिला के आमजन से अपील की है कि स्मार्टफोन के में ये ऐप डाउनलोड करके और उसके स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के बारे में फीडबैक लें, तथा साथ ही उन्होंने मीडिया से भी आम लोगों के बीच में पहुंचने पर और ऐप के बारे में जागरूक करने की अपील की है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अगर एक व्यक्ति आगे 10 व्यक्तियों को या 10 लोगों को SSG18 के बारे में बताएगा तो हमारे ज़िले में आंकड़े भी लाखों में पहुँच सकते हैं। उन्होंने जिलावासी व देश व प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत जिले के अव्वल स्थान पर आने के लिए प्रशासन का सहयोग करने तथा गांव व शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आह्वान साल में हुआ है, उसको जज करने के लिए, उसके असेसमेंट करने के लिए यह सर्वे है। अभी सरकार ने इस बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार देखेगी कि कोई ज़िला ऐसा है, जैसे हमारा ज़िला पूरे प्रदेश में सबसे पहले खुले में शौच मुक्त हो गया था और पूरे देश में भी टॉप 10 रैंकिंग हमारी रही है हमेशा, और इसमें भी मान लीजिए हमें टॉप 10 नहीं आते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ हमें इसका इनाम ज़रूर देगी। तो सबसे पहला तो स्टेप यही है हमारा कि मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या लोकल केबल टीवी हो, उनके माध्यम से जन साधारण तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़रूर लें, ज़रूर करें। इसके बाद विभिन्न ग्रुप्स हैं हमारे, विभिन्न समुदाय हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं जो अखाड़ों में, स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज, ITI और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हो गए जो गांवों, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सरपंच पंच हो गए, और तमाम और ग्रुप्स हैं, आड़ती हो गए जो गांव से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। इन सभी से अनुरोध किया जा रहा है अलग अलग सभाएं करके कि आप भी स्वच्छ सर्वेक्षण लें, और जिस भी गांव से आप जुड़े हुए हैं उस गांव की हकीकत पे थोड़ा सा नज़र डाल करके उसी के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण के सवालों का जवाब दें आप।